गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हरे कृष्णा हरे राम। कैसे हैं आप सब? वेलकम ऑन पूनम प्रिंस चैनल। तो देखिए, आज आपके साथ मैं आगे की वीडियो शेयर कर रही हूँ इस्कॉन में, जो हमने आगे क्या क्या किया। और अभी हम लोग गदा भवन के सामने हैं, और ये गदा भवन जो है ये इस्कॉन के मंदिर के पीछे है, ये इस्कॉन मंदिर के। तो ये देखिए गदा भवन के सामने का एरिया है, और हमारा जो भवन था, जिस भवन में हम लोग रुके थे, वो गदा भवन के भी पीछे था। तो मेरे हस्बैंड अभी गए थे और भवन में रूम देखने के लिए, तब तक हम लोग यहाँ फ़िलहाल खड़े होकर वेट कर रहे थे। तो देखिए, ये पार्क बना हुआ है मंदिर के पीछे, काफ़ी बड़े एरिया में पार्क बना हुआ है, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। आर्यन भी बहुत खुश हो रहा था, खड़ा था वहीं पर, और हम लोग भी वेट कर रहे थे खड़े होकर। तो यहीं में पास से ये सब मंदिर का एरिया है, जो ये भवन जो बने हुए हैं ये सब मंदिर के एरिया में ही है। तो हमारा भवन भी मंदिर के एरिया में ही था, और 4 नंबर गेट से होते हुए हम लोग अपने भवन की तरफ गए थे। तो देखिए, ये आर्यन अभी छोटे चाचा के साथ, ये मेरे छोटा देवर है देखिए, तो उसके साथ आर्यन खेल रहे हैं। और देखिए, ये मंदिर के पीछे के एरिया, वहीं मैंने फ़ोटो क्लिक की थी, और ये गदा भवन के वहाँ मैंने फ़ोटो क्लिक की थी ये वाली। और देखिए, हम लोग फाइनली अपने भवन में पहुँच चुके हैं, और हमारे भवन का जो नाम था वो था नामहट्ट भवन। तो देखिए, काफ़ी ऊपर हमें रूम मिला था, 5th फ्लोर पर। और आर्यन को देखिए कितनी एनर्जी है उसमें, जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़ चढ़ के ऊपर जा रहा था, और लिफ्ट काम नहीं कर रही थी इसलिए हमें सीढ़ी से जाना पड़ा। और मेरे हस्बैंड बेचारे बिल्कुल थक गए थे देखिए, वो भी। साफ़ सफाई थी वहाँ पर, बहुत क्लीन भवन था। आर्यन भी बहुत एनर्जी, आर्यन में देखिए चल चल के जा रहे हैं, दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं। मैं थक गई थी बिल्कुल रूम में जाते हुए। तो बस अब हम लोग थोड़ी देर बाद रूम में पहुंचने वाले हैं, अब हम लोग रूम में जाएंगे। देखिए, हम रूम आने वाले हैं। और ये हम लोग रूम में पहुँच चुके हैं देखिए आप लोग, अब हम लोग फ्रेश होंगे, रूम में आ गया, और फिर हम लोग आगे के लिए सोचेंगे क्या करना है। पहले फ्रेश होंगे हम लोग। अब ये देखिए, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है आपका। तो मॉर्निंग में हम लोग गए थे, सुबह 6 बजे करीब हम लोग गए थे मॉर्निंग में मंदिर दर्शन करने। ये मॉर्निंग का व्यू है, आप देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा था मॉर्निंग में जाकर वहाँ पे। और सुबह वहाँ आरती होती है मॉर्निंग में, तो वो हमने अटेंड की थी आरती। और ये जहाँ हम रूम में रुके हुए थे वहाँ से मैंने ये व्यू लिया था, और ये मंदिर के अंदर का व्यू है। फिर हम लोग चाय पीने के लिए चले गए, देखिए आर्यन भी चाय पी रहे हैं, बहुत टेस्टी चाय थी वहाँ पे, और कुल्हड़ में दे रहे थे वो लोग, तो चाय का टेस्ट ही मतलब दुगना हो गया था ऐसा लग रहा था, बहुत ही टेस्टी चाय लगी। आर्यन भी कह रहा था मम्मा मुझे भी चाय पीना है, तो आर्यन को भी हमने थोड़ी सी चाय दे दी थी, तो वो भी पी रहे देखिए, टेस्टी चाय थी काफ़ी अच्छा लगा, बिल्कुल फ्रेश हो गए हम लोग चाय पी के, बिल्कुल तरोताज़ा हो गए थे। और फिर हम लोग भवन के अंदर से होते हुए फिर हम लोग फिर से इस्कॉन के एरिया में आ चुके हैं देखिए, और आर्यन को बहुत मज़ा आ रहा है, इतने लोग हैं वहाँ पे, इतना रास्ता काफ़ी, और वो भी काफ़ी खुश हो रहा था, चलो दूसरे बच्चों को देख रहा था, लोगों को देख रहा था, चल रहा था बीच बीच में, तो वो काफ़ी खुश हो रहा था। फिर अचानक से वहाँ पे चलते चलते हम लोगों को हाथी नज़र आया, तो आर्यन और ज़्यादा खुश हो गया हाथी देखकर। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, और देखिए, और जो एलिफेंट्स थे ना वो लोगों से वो पैसे ले रहे थे अपने सूंड से, और फिर अपने जो उनके ऊपर जो बैठा था चालक उसको दे दे रहे थे वो लोग पैसे ले लेकर। और ये देखिए, ये मंदिर के अंदर का एरिया है, हम लोग जाएंगे मंदिर के अंदर भी दर्शन करने के लिए, पर वहाँ तो फोटोग्राफी व वीडियो अलाउ नहीं है, तो ये बाहर बाहर का इसलिए व्यू देखिए आप लोग। और ये फिर वहाँ पे कीर्तन भी हो रहा था, कृष्ण नाम जप रहे थे सब लोग कीर्तन में, ये फॉरनर्स देखिए काफ़ी एंटरटेन करते हैं ये लोग लोगों को। और ये वहाँ पे देखिए 3D हॉल था, हम लोगों ने यहाँ पे भी छोटी सी 20 मिनट की एक मूवी देखी थी देखिए, मायापुर फुल डॉन थिएटर। फिर हम लोगों ने थोड़ी फ़ोटो क्लिक्स की वहाँ पे, और देखिए हम लोग पूजा करके आ चुके थे। और फिर ये शाम का व्यू देखिए आप, शाम को फिर वहाँ पे कृष्ण नाम कीर्तन हो रहा था, संकीर्तन हरि नाम संकीर्तन की तरफ से, तो वो भी हम लोगों ने देखा है, काफ़ी इन्जॉय किया, और लोग काफ़ी खुश थे, काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे वहाँ पर लोग, हम लोग भी बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने भी सब ने। बस फिर देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट डे निकलने के लिए हम लोग रेडी हो गए। आज मैं मायापुर से मायापुर जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ
ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं आपका दीघा, तो इसके बाद मैं आपको दीघा में मिलती हूँ। आप लोग मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए और प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और मैं आपके साथ दीघा की वीडियो शेयर करूँगी कि हमने दीघा में क्या क्या किया, कैसे घूमे, वहाँ का व्यू दिखाऊंगी मैं आपको। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू सून।